शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, खासकर पिछड़ा के वासियों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ आप सबको पता गया दशहरे को जो उत्सव मनाया जा रहा, इसमें आज बुराई की जो है ईसाई पे जीत है, धर्म की इसमें जीत है। इसका सब आप सब जानते हैं कि इसका जो अंत है रावण, इसका जो इसका नतीजा है। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, खासकर जो इनकी रामलीला की जो कमेटी है इनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं अपील करता हूँ आज जो दशहरे का दिन है, आज जो खासकर जो युवा हैं उनको अपनी बुराइयाँ छोड़ के आज विजय दशमी के पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज विजय दशमी पूरे विश्व में और भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में बिश्नाह में जो एक पुरानी परंपरा है, यहाँ दशहरे का महोत्सव जो है बड़े ही अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। आपने देखा है कि पब्लिक रामलीला क्लब बिश्नाह जिनके सौजन्य से ये सारा कार्यक्रम, सारा कार्यक्रम जो यहाँ आयोजन इसका किया गया है और ये परंपरा रही है। रामबाग बिश्नाह से भव्य झांकी भगवान राम की और भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान जी और उनकी सेना जो आज रावण का वध करके रावण दहन जो है वो किया जाएगा। और ये धर्म की अधर्म के ऊपर जीत है, ये अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत है। ये हर साल दशहरा इसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं कि रावण जो बहुत विद्वान था, बहुत बलवान था, लेकिन उसने जो काम किया बुरा काम किया और उसका अंत जो है वो बुरा हुआ। भगवान राम ने उसका वध किया और बुराई का अंत जो है वो खत्म किया, बुराई का खात्मा किया। आज उसी उपलक्ष्य में पब्लिक रामलीला क्लब के सभी मेम्बरान जो हैं इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये दशहरे का महोत्सव जो यहाँ सेलिब्रेट किया है। अपनी तरफ से सभी जितनी भी जनता जहाँ आई है उन सब का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। ऐसे ही ये हमारे धार्मिक त्यौहार जो हैं मिलजुल कर हम मनाते रहें, ताकि धर्म की तरफ जो है वो आने वाली पीढ़ी जो है उनका धर्म की तरफ वो धर्म का साथ दें, सच्चाई का साथ दें और बुराई की तरफ ना चलें, क्योंकि बुराई का अंत जो है वो बुरा ही होता है और बुराई का अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।